नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल संडे था और कल आपकी क्लास नहीं चली थी, तो आज की क्लास में हम दो दिनों के करंट अफेयर्स को यानी कि 5 और 6 फरवरी, 5 और 6 फरवरी के करंट अफेयर्स को एक साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जैसा कि मैं हमेशा कहती आई हूँ, करंट अफेयर्स की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश करिए डेली करंट अफेयर्स की क्लास को फॉलो करने का। और जब भी क्लास अटेंड कर रहे हो, चाहे आप अभी कर रहे हैं या फिर बाद में, तो अपने साथ नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठे, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्ट्स बता रही हूँ उनको भी आप साथ में नोट डाउन करते हुए चलिए। चलिए, बाकी आप खुद ही समझदार हैं, मुझे उम्मीद है कि अपना आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दिए होंगे, रिविजन भी शुरू कर दिए होंगे, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत ही ज्यादा करीब है। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूंगी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और आज की क्लास में दोस्तों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू की गई है। अमृत धरोहर योजना, देखिए इस बार के बजट में बहुत सारे जो है स्कीम और योजनाओं को लागू करने की बात किया गया है। आपने कल भी देखिए मिष्टी योजना के बारे में पढ़ा, मिष्टी पहल, और आज हम बात करने जा रहे हैं अमृत धरोहर योजना, जो इसी साल के बजट में वित्त मंत्री जी के द्वारा घोषित किया गया है। तो देखिए, ये जो अमृत धरोहर योजना है, ये किस योजना के लिए शुरू किया गया है या फिर किसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, आर्द्र भूमि, विरासत स्थल, मैग्रोव वन या फिर भूमिगत जल। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आर्द्र भूमि। देखिए अभी हाल ही में हम लोगों ने वेटलैंड डे भी मनाया है। कब था ये आर्द्र भूमि दिवस, कब मनाया गया था? 2 फरवरी को मनाया गया था, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए थीम क्या थी इस साल की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा अमृत धरोहर योजना के बारे में, जो कि इस साल के बजट में घोषित किया गया है, इस योजना को शुरू किया गया है। तो देखिए अमृत धरोहर जो योजना है, जो हमारे वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमि है, उन्हीं को संरक्षित करने के लिए। आर्द्र भूमि देखिए हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी के संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना शुरू किया गया है। बेसिकली देखा जाए अमृत धरोहर योजना है, जो शहर में आर्द्र भूमि है उनके ज्यादा से ज्यादा उपयोग को बढ़ाने के लिए, इवन उनके जो है जैव विविधता में, जो उनकी जैव विविधता है उनमें सुधार करने के लिए सरकार ने अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के तहत, यानी कि अमृत धरोहर जो योजना है, इसके तहत अगले 3 वर्षों में यानी कि 2026 तक जो है आर्द्र भूमि के इष्टतम प्रयोग को प्रभाव जो है प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो इसकी जैव विविधता है, जो यहाँ का कार्बन स्टॉक है, जो इको टूरिज्म है, उनमें अवसरों को बढ़ावा देने का, जो स्थानीय समुदाय है उनके आय के सृजन को बढ़ाने के लिए इस आर्द्र भूमि जो है आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए जो योजना है अमृत धरोहर योजना, उसकी शुरुआत की गई है। योजना की घोषणा देखिए, जैसा कि हमने बताया इस साल के वित्तीय बजट में इसको घोषित किया गया है वित्त मंत्री जी के द्वारा, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और हमने ऑलरेडी देखा कि ये योजना जो है इको टूरिज्म को बढ़ाएगी, कार्बन स्टॉक को बढ़ाएगी, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे जो स्थानीय समुदाय है उनके आय के सृजन में भी काफी ज्यादा मदद करेगी। हमें आवश्यकता क्यों पड़ रही है भाई आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए? देखा जाए इधर जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हुआ है, ठीक है, उसके वजह से हमारे आर्द्र भूमि पर बहुत ही ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। और अगर हम देखें पिछले 3 दशक में जो आर्द्र भूमि है भारत की, उसमें देखा जाए लगभग 30% जो है 30% आर्द्र भूमि खो दिया है भारत ने। और उसमें सर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए मुंबई सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, यानी कि जो आर्द्र भूमि का सबसे ज्यादा प्रतिशतता कम देखने को मिला है वो मुंबई में मिला है। कितना? लगभग यहाँ पे देखा जाए 1970 से 2014 के बीच में देखा जाए, यानी कि लगभग यहाँ पे 44 इयर्स के समय में देखा जाए तो 71% जो आर्द्र भूमि है वो मुंबई ने खो दिया है। तो बहुत बड़े पैमाने पर आर्द्र भूमि का यहाँ पे क्षरण हुआ है, कहाँ पे? मुंबई में सबसे ज्यादा, ठीक है। और लगभग यहाँ पे 30% जो है भारत ने आर्द्र भूमि खो दी है। अगर हम बात करें ये आर्द्र भूमि का जो नुकसान हो रहा है क्या प्रमुख कारण है, तो देखिए जो एक तो मानव जनित गतिविधियां, दूसरा देखा जाए अवैध निर्माण के जो कारण है, और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन भी, ठीक है। तो ये सब जो है देखा जाए तो मुख्य कारण हमें देखने को मिलते हैं आर्द्र भूमि के नुकसान के। तो इन्हीं आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए इस साल के बजट में अमृत धरोहर योजना सरकार के द्वारा घोषित की गई है। ध्यान रखिएगा, जितना भी अभी हम बजट के दौरान जितनी भी योजनाएं आपसे बात कर रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
चलिए, हमने आपसे स्टार्टिंग में ही दो क्वेश्चन पूछ लिया भाई। हमने सैटरडे को तो कुछ विशेष क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं था। मैंने एक तो पूछा विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो 2023 यानी कि इस साल जो मनाया गया है 2 फरवरी को, उसकी थीम क्या थी। और अब मुझे आप बताएंगे कि जो अभी मैंने सैटरडे को मिस्टी योजना के बारे में बात किया था, वो मिस्टी पहल, मिस्टी इनिशिएटिव किससे संबंधित है, किसके संरक्षण के लिए संबंधित है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश राज्य में, ठीक है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किस देश में G20, यहाँ पे ध्यान रखिएगा किस राज्य में, यहाँ पे देश लिख गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में G20 के अंतर्गत पहली रोजगार कार्य समूह बैठक आयोजित की गई है। तो देखिए, जैसा कि भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और हमने बताया कि भारत G20 की अध्यक्षता में विभिन्न विभिन्न जगहों पर जो है विभिन्न विभिन्न सेगमेंट के तहत कई सारे कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है, और उसी के तहत यहां पे देखा जाए कि G20 के अंतर्गत जो पहली रोजगार कार्य समूह योजना की बैठक आयोजित की गई है वो किस राज्य में किया गया है। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करिए, जिन्हें आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आंसर करें। चलिए हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। करेक्ट आंसर इज ए, राजस्थान। ठीक है, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखा जाए जो राजस्थान है, राजस्थान का देखिए शहर है जोधपुर। ठीक है, वहां पे ध्यान रखिएगा जोधपुर, अगर आपके शहर पूछ दे तो ये भी ध्यान रखिएगा, जोधपुर में G20 के अंतर्गत जो पहली रोजगार कार्य समूह यानी कि एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है वो आयोजित की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये मीटिंग जो चली है 2 से लेकर के 4 फरवरी तक चली है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस मीटिंग के दौरान यानी कि इस बैठक के दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण यानी कि रोजगार के क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा किया गया है। क्या क्या था इसके तहत देखा जाए तो यहाँ पे देखिए श्रम लेबर से संबंधित रोजगार और सभी के लिए मजबूत साथ साथ टिकाऊ संतुलित और नौकरी समृद्ध विकास से जुड़े जो सामाजिक मुद्दे हैं, एक तरीके से रोजगार से संबंधित जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं उन सभी से संबंधित चीजों पर इस मीटिंग में चर्चा की गई है। ठीक है, अगर हम बात करें इस मीटिंग में कौन कौन लोगों ने भाग लिया इस बैठक में, तो इसमें देखा जाए जो रोजगार कार्य समूह की बैठक में देखा जाए करीब 20 देश, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 20 देश और 9 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 70 से अधिक जो है डेलीगेट्स ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 70 से अधिक डेलीगेट जो है इसमें भाग लिए। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, देखिए आप लोग के लिए G20 इस साल बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितनी भी जो बैठक की जा रही, हमने सैटरडे को भी कुछ आप लोगों से बात किया, इवन जो रिविजन सेशन है इस जनवरी का उसमें मैंने बहुत सारी चीजों की चर्चा की है। तो कोशिश करिए आप सारी चीजें जो है अच्छे से, जितना भी G20 से संबंधित जो कुछ भी चीजें आप देख रहे हैं पढ़ रहे हैं उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्व सदस्य बने हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो अभी हाल फिलहाल में जो सदस्य देश बने हैं, पूरी तरीके से पूर्ण सदस्य बने हैं, वो है ब्राजील और कांगो। यानी कि हमारा आंसर अगर देखा जाए तो उपयुक्त ए और बी दोनों जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्ण सदस्य बने हैं। और आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा अभी हाल फिलहाल में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पूर्व सदस्य जो बने हैं वो कौन बने हैं, ब्राजील बने हैं और कांगो बने हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए भारत की बात करें तो भारत ने ब्राजील को जो है अनुसमर्थन का साधन यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन सौंप दिया है, और कांगो की बात करें तो कांगो गणराज्य के जो कांगो राजदूत है जिनका नाम है रेमंड सर्ज बेल ने, ठीक है, इस फ्रेमवर्क पे कौन से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो फ्रेमवर्क था उस पर हस्ताक्षर किया है। तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा कि किसने जो है हस्ताक्षर किया और वो पूर्ण सदस्य बना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के भी बारे में बात कर ले, जब भी कोई संगठन कोई गठबंधन इस तरह से चर्चा में रहता है तो वहां से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और भारत तो यहाँ पे जो ये गठबंधन बना तो भारत ने उसका नेतृत्व किया था, तो ये तो और अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की तो ध्यान रखिएगा ये एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, ये एक तरीके से इसका जो सौर विकास को बढ़ावा देना, जितने भी देश हैं स्पेशली देखा जाए पहले तो ये था कि मकर और कर्क रेखा, ठीक है, यहाँ पे जो था
कर्क और मकर रेखा के जो जितने बीच में जो देश हैं उनको क्या करना, एक तरीके से आर्थिक सहायता देना, यानी कि उनको वित्त पोषित करना, और साथ ही साथ जो है प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी से संबंधित सहायता देना, जिससे कि वो देश अपने क्षेत्र में सौर विकास को बढ़ावा दे सके, ज्यादा से ज्यादा क्या करें सोलर एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे सके। तो ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। कम से कम सस्ती से सस्ती चीजों पे, यानी कि टेक्नोलॉजी जब सस्ती रहेगी तभी तो हम अपने क्षेत्र में सब चीजों का बढ़ावा देंगे। भाई टेक्नोलॉजी बहुत महंगी रहेगी, हमारे पास उतनी आर्थिक स्थिति हमारी नहीं रहेगी, तो हम कैसे करेंगे। तो इस गठबंधन को किया गया, तो ये देश आपस में मिल करके उन देशों को वित्त पोषित करते हैं, उनको प्रौद्योगिकी सहायता करते हैं, जिससे कि वो क्या करें अपने क्षेत्र में सौर विकास को बढ़ावा दे सके, ठीक है। अगर इस एजेंसी की बात किया जाए तो ये देखिए किसके तहत काम करती है, तो ध्यान रखिएगा वन सन यानी कि एक सूर्य, एक दुनिया और एक ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने में ये एक नोडल एजेंसी है। इसकी बात किया जाए दोस्तों, इसकी शुरुआत देखिए 2015 में किया गया था, कब, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था 21, ठीक है। ध्यान रखिएगा कब हुआ था, 2015 में, याद है आपको पेरिस समझौता, इसी जो है जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि पेरिस में हुआ था, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, उसी दौरान जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और उस समय जो वहां के जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, ठीक है, मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन, इन दोनों लोगों ने मिल करके जो है इस गठबंधन को लागू किया था। यानी कि डेट याद रखिए कि ये जो भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे उनके द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस में UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पक्षकारों के सम्मेलन में, जो COP21 हुआ था, उसमें 121 संस्थान समृद्ध देशों के साथ इस गठबंधन की शुरुआत की थी। तो महत्वपूर्ण है कि भारत जो है इसका एक तरीके से नेतृत्व किया था। इसका उद्देश्य देखा जाए, इस गठबंधन का उद्देश्य क्या है, अगर प्रमुख उद्देश्य देखें तो 1000 गीगावाट से जो अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता है उस क्षमता की वैश्विक क्षमता प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पे सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता की वैश्विक क्षमता प्राप्त करना, और ध्यान रखिएगा 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग $1000 बिलियन की राशि को जुटाना शामिल इसमें किया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें जो हस्ताक्षरकर्ता देश है वर्तमान में इस फ्रेमवर्क में, तो 113 देश जो है इस फ्रेमवर्क के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुख्यालय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो है गुरुग्राम, ठीक है, जो गुरुग्राम है भारत का, यहाँ पे हरियाणा में गुरुग्राम है, और ये जो है इसका हेडक्वार्टर है अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन का, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। आइए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक पीएम कुसुम योजना का विस्तार किया है। देखिए आपके लिए जितनी भी योजनाएं आज हम चर्चा में कर रहे हैं, जो भी योजना है वो इंपॉर्टेंट है, और पीएम कुसुम योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुका है, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और इस योजना का विस्तार कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा ने, क्योंकि जिस उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था, जिस लक्ष्य के साथ, उस लक्ष्य को यानी कि लक्षित वर्ष में उस लक्ष्य को इसने प्राप्त नहीं किया, जिस कारण से इसके विस्तार किया गया है, और ये ध्यान रखिएगा 2026 तक कर दिया गया, ठीक है, मार्च 2026 तक। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे जो केंद्र सरकार है इसने देखा जाए जो पीएम कुसुम योजना है, देखिए पीएम कुसुम योजना का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, ठीक है, इसके सीमा को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया। देखिए ये कभी कभी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि पीएम कुसुम योजना जो है वो किससे संबंधित है, किससे, तो ये देखिए पीएम कुसुम योजना जो है एक तरीके से ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महामारी से संबंधित है। देखिए इसके बारे में बात किया जाए तो जैसा कि कोविड आ गया था, कोरोना आ गया था, तो ये जो स्कीम है इसको लागू करने में, या फिर कह सकते हैं इस स्कीम के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वो कोविड महामारी के कारण अपने लक्ष्य को निर्धारित समय में नहीं प्राप्त कर पाया, ठीक है, और जब नहीं प्राप्त कर पाया तो जो भी वांछित परिणाम था वो नहीं दे सका। और इस योजना की बात किया जाए जिस कारण से इसके समय को बढ़ा दिया गया है, भाई लक्षित यहाँ पे उद्देश्य क्या था, क्या लक्ष्य रखा गया था, तो इस स्कीम के तहत देखा जाए 34,422 करोड़ रुपए की कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ
2022 तक 30,800 मेगावाट की सौर क्षमता जोड़ना जो है इसका लक्ष्य रखा गया था, जो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करा या फिर वांछित परिणाम नहीं दे सका, जिस कारण से इस योजना को 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना की शुरुआत देखिए की गई थी दोस्तों, ये 2019 में किया गया था तीन घटकों के साथ। अगर मंत्रालय पूछे तो ये मंत्रालय भी ध्यान रखेगा, नवीन और नवीकरणीय योजना, ठीक है, नवीन यहाँ पे माफ करिएगा, नवीन और योजना मैंने मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसके द्वारा जो है ये शुरुआत किया गया था, लिख लीजिएगा, इस पे मेंशन नहीं है, ठीक है। 2019 में शुरू किया गया था तीन घटक। तीन घटक क्या है भाई, अगर घटक एक देखा जाए तो इसमें देखिए क्या दिया है, भूमि पर जो स्थापित 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रीड है उन ग्रीडों को क्या करना, नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना, तो घटक एक है। घटक दो की बात करें यानी कि घटक बी की बात किया जाए तो 20 लाख सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना करना, ठीक है। वहीं घटक सी की बात करें तो ग्रीड से जुड़े 15 लाख सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों का सौर्य यहाँ पे सौरीकरण करना। तो ये क्या है, यही तीन घटक है और इसी तीन घटक के साथ जो है इसे यानी कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना को 2019 में शुरू किया गया था नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, और इसके अब समय को बढ़ा दिया गया है मार्च 2026 तक। तो थोड़ा सा जितनी भी योजनाओं के बारे में बात किया जा रहा है उनको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से देख लीजिए, योजना से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस तारीख को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस मनाया है, कब मनाया गया है, तो 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा, एक तरीके से जो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कैंसर डे, वो 4 फरवरी को मनाया जाता है, क्यों भाई, कैंसर के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई में लोगों को एकजुट करने के लिए। विश्व कैंसर दिवस जो मनाए जाने का बेसिकली उद्देश्य जो है वो एक तरीके से क्या है, सबसे पहले लोगों को जागरूक बनाना जिससे कि कैंसर से जो मौतें हो रही हैं उन मौतों को कम किया जाए। तो जितने भी दुनिया भर की जो सरकारें हैं, जो एजेंसियां हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको क्या करना, इस बीमारी के खिलाफ जो कार्यवाही की जा रही है उस कार्यवाही के लिए लोगों को जागरूक करना, और जिससे कि क्या हो सके, जो कैंसर से होने वाली मौतें हैं उनको कम किया जा सके। बेसिकली देखा जाए जो विश्व कैंसर दिवस है वो पहल है किस एजेंसी की, किस संघ की, तो अंतरराष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ की यह एक पहल है, ठीक है। इसकी जो शुरुआत की गई थी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 4 फरवरी 2000 को की गई थी। कहां पे की गई थी दोस्तों, ये पेरिस में किया गया था, और किसके दौरान, वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर फॉर न्यू मिलेनियम, इसी दौरान जो है ये जो समिट हुई थी, इसी समिट के दौरान इस कैंसर दिवस को यानी कि विश्व कैंसर दिवस की शुरुआत की गई थी। जब भी हम दिवस की बात करते हैं तो हमारे लिए थीम या विषय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर हम देखें कि इस साल विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है, तो क्लोज द केयर गैप, यानी कि ठीक है, ये क्या है, ये इस साल की थीम है विश्व कैंसर दिवस की। तो दिवस याद रखिए बेसिक, और आजकल तो ये भी पूछा जा रहा है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी कि पहला जो है ये दिवस कब मनाया गया था। इसीलिए हर जब भी हम दिवस की बात करते हैं, डेज की बात करते हैं, तो उसमें ये जरूर मेंशन करते हैं कि भाई इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी। तो किसी भी लाइन को ऐसे लाइटली मत लेके छोड़ देना कि अरे ये तो फालतू नहीं, इसीलिए कहते हैं पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपके लिए लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कहाँ एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया। तो ये एशिया का पहला जो फ्लोटिंग फेस्टिवल है जो आयोजित किया गया, ऑप्शंस आप देख रहे हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, मध्य प्रदेश में एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित किया गया। और मध्य प्रदेश में भी आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो मंदसौर, तो मंदसौर जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पे 1 फरवरी को एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरू किया गया। इस फेस्टिवल का जो उद्घाटन किया गया है वो मध्य प्रदेश सरकार के जो पर्यटन मंत्री हैं उषा ठाकुर, उन्होंने, ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे मंदसौर में इसका उद्घाटन किया। नाम देखिए क्या है, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, ठीक है, और इसके पहले संस्करण का इन्होंने उद्घाटन किया।
ये देखा जाए इस फ्लोटिंग फेस्टिवल की जो शुरुआत की गई है वो देखा जाए इंडियन ओशन रॉक बैंड के प्रदर्शन के साथ इसकी शुरुआत की गई है। तो इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि जो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल और जो आयोजित किया गया है ये मध्य प्रदेश में भी कहाँ है दोस्तों, तो मंदसौर, क्या नाम है, गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल। तो ऐसे भी आ सकता है कि गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, इसलिए आपको हर लाइन के लिए आपको तैयार रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2027 के फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पे कौन सा देश है जो 2027 के फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी करने जा रहा है। करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो फुटबॉल एशियाई कप 2027 होने वाला है उसकी जो मेजबानी कर रहा है वो सऊदी अरब कर रहा है। और ये देखिए, ये घोषित किया गया है किसके द्वारा, जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ है उसके द्वारा ये घोषित किया गया है कि भाई इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है, जब से सऊदी अरब का गठन हुआ एक देश के रूप में, तब से ये पहली बार होने जा रहा है कि सऊदी अरब जो है 2027 में मेजबान राज होने वाला है एशियाई फुटबॉल कप का, ठीक है। तो जो फुटबॉल एशियाई राष्ट्र कप है उसकी मेजबानी 2027 में पहली बार करने जा रहा है सऊदी अरब, जिसके कारण से ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये अभी निर्णय लिया गया है, जो ये जो एशियाई फुटबॉल परिसंघ की एक बैठक थी, ठीक है, 33वीं कांग्रेस थी, जिसका आयोजन किया गया था जो बहरीन है उसकी राजधानी मनामा में 1 फरवरी को। और इसी बैठक के दौरान, जो कि मनामा में आयोजित की गई थी, इसी बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया कि 2027 में जो फुटबॉल एशियाई राष्ट्र कप है उसकी मेजबानी सऊदी अरब करेगा। कारण है कि दिसंबर की बात करें, देखिए इस रेस में भारत भी आगे था, लेकिन भारत ने चूंकि अपने नाम की वापसी ले लिया, तो एक सिंगल देश बचा कौन, सऊदी अरब। तो फिर सऊदी अरब ने जो है इसकी मेजबानी का जिम्मा उठाया। अगर हम इस साल की बात करते हैं, जो फुटबॉल एशियाई राष्ट्र कप है 2023 जो आयोजित होने वाला है, वो ध्यान रखिएगा, वो मेजबानी की जा रही है उसकी कतर के द्वारा, और ये जून से जुलाई के बीच में आयोजित होने जा रहा है। तो ये आपके लिए इस साल भी इंपॉर्टेंट है और 2027 भी इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल का शुभारंभ किया गया है। तो विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल का जो शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा, ऑप्शंस आप देख रहे हैं। देखिए, ये सभी जो है केंद्रीय मंत्री का नाम है, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे तो करेक्ट आंसर पे तो जी किशन रेड्डी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है, जो कि ध्यान रखिएगा ये पर्यटन मंत्री हैं। और ध्यान रखिएगा, विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल जो शुरुआत की गई है वो किया गया है केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा किया गया है, और ये नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में। तो इस पहल की भी शुरुआत किया गया, साथ ही इस पहल से संबंधित जो लोगो है उसका अनावरण भी जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री है जी किशन रेड्डी जी के द्वारा किया गया। इस पहल की, यानी कि जो विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल है, ये पहल किस मंत्रालय से संबंधित है दोस्तों, तो ये पर्यटन मंत्रालय से संबंधित है। और इसी पहल के तहत क्या किया जाएगा कि देश में जो है पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, पर्यटन से संबंधित जो नई योजनाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, उनको बढ़ावा दिया जाने का कार्य करेगा, किया जाएगा, ठीक है। बेसिकली इस अभियान का उद्देश्य, यानी कि इस पहल के उद्देश्य की बात करें, तो भारत जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और इसी अध्यक्षता के दौरान जो है भारत में एक तरीके से यात्रा को प्रोत्साहित किया जाएगा, लोगों को जो ज्यादा से ज्यादा भारत में आकर के, यानी कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा, लोगों को आकर्षित किया जाएगा कि भारत की यात्रा करें, भारत का दौरा करें, यानी कि भारत का दौरा करने के दौरान प्रतिनिधियों को अतुल्य भारत का दर्शन कराना, ये इसी विजिट ईयर नाम से आपको पता चल जा रहा है, यानी कि विजिट करना इंडिया में। तो विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल का ये बेसिकली उद्देश्य है, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, ये दूसरा दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, आइए बात कर लेते हैं कब मनाया जाता है। इसको भी देखिए, 4 फरवरी को, यानी कि विश्व कैंसर दिवस भी 4 फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस भी 4 फरवरी को मनाया जाता है। और देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, 4 फरवरी को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, और इस दिवस की देखिए शुरुआत जो की गई थी, स्थापना किया गया था 2019 में 4 फरवरी को।
2019 को अल अजहर के ग्रैंड इमाम और अहमद अल तैयब और पोप फ्रांसिस के द्वारा हस्ताक्षरित विश्व शांति और एक साथ रहने के लिए मानव बंधुत्व नामक ऐतिहासिक दस्तावेज का जश्न मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस की स्थापना की गई थी। आदर्श वाक्य क्या है इसका? तो ये देखा जाए सामंजस्य में मतभेद जो है ये इसका आदर्श वाक्य है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पे, ठीक है, तो ये था इसका बेसिकली उद्देश्य। अब बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। और हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है आज का कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है? तो राज्य को पूरी तरीके से नशा मुक्त करने की जो है एक तरीके से ये योजना बनाई है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दोस्तों? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये योजना बनाई है। आइए इसके बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए वर्तमान में जो उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और इन्होंने ये लक्ष्य रखा है कि भाई उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त किया जाएगा। ठीक है, किसी भी तरह का भाई कोई नशा कोई ड्रग्स यहां नहीं लिया जाएगा और ये 2025 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है। इसके लिए देखा जाए जो ये घोषणा किया गया है जो ये शुभारंभ की गई है प्रधानमंत्री या माफ करेगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो ये देहरादून की जिला जेल में आयोजित नशा मुक्ति कार्यशाला मिशन नशा मुक्त देवभूमि का इन्होंने शुभारंभ किया। इसके तहत देखा जाए जो नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए इन्होंने कुछ टीम तैयार किया है। तो देखा जाए इन्होंने जो है पुलिस शिक्षा मेडिकल शिक्षा स्वास्थ्य विभाग समेत लगभग 7 विभागों की टीम बनाई है। और ये टीम क्या करेगी? पूरे प्रदेश में नशा के खिलाफ जो है अभियान चलाएगी। ठीक है, और इस अभियान के माध्यम से पूरे प्रदेश को क्या किया जाएगा? नशा मुक्त बनाया जाएगा 2025 तक। तो ये लक्ष्य रखा गया है देखिए किसके द्वारा? ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। चलिए प्रश्न मुझे बताइए कि किस देश ने, दुनिया का पहला ऐसा देश जो 2025 तक पूरी तरीके से अपने देश में अपने क्षेत्र में सिगरेट को प्रतिबंधित कर देगा, ये देश क्या नाम है आप मुझे बताइए। ठीक है, देखिए उत्तराखंड सरकार ने भी 2025 तक का लक्ष्य रखा है। तो ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे की। ठीक है, हमारा सबसे पहला आज का फैक्ट है कि 36वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 3 फरवरी से 19 फरवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है। कहां पे? फरीदाबाद। फरीदाबाद दोस्तों का हरियाणा में। ठीक है, तो ये 36वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लाहौर देश के लिए भारत के अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं कौन? प्रशांत अग्रवाल। ठीक है, वही बात करें भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है कौन है? जोगिंदर शर्मा। तो इन्होंने भाई सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की बात कही दी, ये भारतीय क्रिकेटर है जोगिंदर शर्मा। वही बात करें प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक है जिनका ब्याज यहाँ पे 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, क्या नाम है? KV तिरुमल्लेश। और आज का हमारा लास्ट फैक्ट ऑफ द डे है कि नामीबिया में भारत के अगले राजदूत या फिर उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? M सुबरडू। तो ये दोस्तों आज का था हमारा 10 MCQ और साथ ही साथ देखा जाए फैक्ट्स ऑफ द डे की। और मैंने आज आपसे काफी क्वेश्चंस पूछे हैं, इवन कुछ क्वेश्चन जो पूछा है वो मैंने जो अभी 2 दिन पहले डिस्कस किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। उम्मीद है आप सभी लोग उसका आंसर करेंगे। बाकी डेली करंट अफेयर सेशन को कोशिश करिए फॉलो करने का, रेगुलर लाइक करिए कमेंट करिए और जो कुछ भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ क्लास के दौरान कोशिश करिए उनका आंसर करने की। ठीक है, बाकी डेली करंट अफेयर्स की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए, अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए और ना सिर्फ शॉर्ट नोट्स बनाइए रिविजन भी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि डेट आपके एग्जाम की बहुत पास है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मैम हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।